हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरजी क्लासेस। आज मैं आपसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में बात करूंगी। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे बिजनेस के बारे में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस स्टडी के टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो में जितनी भी फॉर्म्स हैं मैं सारी की सारी आपको कंप्लीट करा दूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं तो आपकी फटाफट मुझे रिवीजन करानी है। तो जितना हो सके इस वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, जिससे कि उन सभी के कंसेप्ट क्लियर हो। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक स्पेसिफिक फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, पार्टनरशिप है, सभी क्या है, स्पेसिफिक फॉर्म है। ऐसे ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी स्पेसिफिक फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। इस पूरा पैराग्राफ को रीड करने से पहले आप इसकी हेडिंग को देखिए। इस हेडिंग के अंदर सारी बातें छिपी हुई है जो आप पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। हमें कभी भी किसी चीज़ को रटना नहीं है, उनको समझना है, क्योंकि अभी आप 11th के स्टूडेंट्स हो एंड आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ना कि क्रैमिंग करना। आप जब कॉन्सेप्ट्स को समझने लग जाएंगे आप पेपर में आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी ऑटोमेटिक अच्छी होने लग जाएगी और आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हद तक कम हो जाएगा। क्योंकि जब हम कभी भी किसी चीज़ को क्रैम करते हैं तो हमारे माइंड में ये रहता है कि हम कहीं कोई डेफिनेशन ना भूल जाए, हम कोई पॉइंट्स ना भूल जाए। बट अगर आप उन चीज़ों को समझ के जाते हो तो आपको पेपर में स्ट्रेस बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर होगा, यानी बहुत मिनिमम स्ट्रेस होगा आपको, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको क्रैमिंग नहीं करना है। तो देखिए, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इसकी आप दो पार्ट्स में डिवाइड करो, जॉइंट और हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट का मतलब जहाँ पर सभी मिलकर काम करते हैं, एंड जो करता होता है, जो फैमिली का जो हेड होता है वो उस पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, संभालता है, लेकिन काम सभी मिलकर करते हैं, जॉइंट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इस पूरे टर्म का मतलब क्लियर अच्छे से हो गया होगा। देखिए, ये सबसे पुरानी फॉर्म है हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। आपने देखा भी होगा अक्सर आप अपने घरों में भी कि जो आपका फैमिली का हेड होता है वे पूरे बिजनेस को मैनेज करता है। एंड फॉर एग्जांपल आपके जो दादाजी है वे हेड है फैमिली के, तो जो आपके चाचा, ताऊ, पापा सारे मिलकर एक बिजनेस को रन करते हैं, लेकिन संभालता कौन है, दादाजी, यानी जो हेड है फैमिली के। ऐसे ही हर एक फैमिली का एक हेड होता है, अगर फैमिली बिजनेस है तो उसका जो हेड होगा फैमिली का वे सारे बिजनेस को मैनेज करेगा। तो ये बहुत पुरानी फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। यहाँ पर जो बिजनेस है उसको ओन और उसको कैरी कौन करता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी ऐसी फैमिली जो जॉइंट रहती है, जो मिलकर रहती है, जो न्यूक्लियर नहीं है, ठीक है। एंड उनको कौन मैनेज करता है, फैमिली का हेड, जिसको हम कर्ता बोलते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट को, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनीज को कंपनी एक्ट गवर्न करता है, उसी तरीके से जो हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसे कौन गवर्न करता है, उसे हिंदू लॉ गवर्न करता है। जो इसमें मेंबरशिप होती है इसके अंदर वे उसके बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है, एंड 3 सक्सेसिव स्टेजेस कैन बी मेंबर्स इन द बिजनेस। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है फैमिली के अंदर, और वैसे ही वह उस फैमिली का सदस्य बन जाता है, मेंबर बन जाता है। एंड जो फैमिली बिजनेस होता है, जैसे जैसे वह ग्रो करेगा उसका इमीडिएटली बच्चे के जन्म के साथ ही उसका पूरा का पूरा हक हो जाता है उस बिजनेस के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो इसकी मेंबरशिप की जो बेसिस है वे क्या है, बच्चे के जन्म होते ही वे उसकी मेंबरशिप ले लेता है, और ये 3 सक्सेसिव स्टेजेस तक चलता है, यानी जो 3 जनरेशन होती है, 3 जनरेशन तक ये हमारा जो बिजनेस में जो बिजनेस होता है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये 3 जनरेशन तक जो भी इसके अंदर होते हैं पर्संस, वे सारे इसके क्या रहते हैं, मेंबर्स रहते हैं। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली हु इज़ द एल्डेस्ट मेंबर एंड इज कॉल्ड कर्ता। हमने अभी तक सारा यही डिस्कस किया है। जितने भी मेंबर्स होते हैं सभी को इक्वल ओनरशिप राइट होते हैं, आपने देखा ही होगा, चाहे आपके ताऊ हो, आपके चाचा हो, कोई भी हो, सभी डिस्कस करते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी के अंदर इक्वल बराबर का अधिकार है, इक्वल राइट है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। जो भी पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, जो भी एंसेस्टर की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरसिनर्स कहते हैं। देयर आर 2 सिस्टम्स विच गवर्न मेंबरशिप इन द फैमिली बिजनेस। इसके अंदर
दो सिस्टम होते हैं जो गोवर्न करते हैं एक फैमिली बिजनेस की मेंबरशिप को, जो चलाते हैं फैमिली बिजनेस की मेंबरशिप को, वे क्या है? दयाभागा एंड मिताक्षरा सिस्टम। जो दयाभागा जो सिस्टम होता है वे क्या प्रिवेल, ये वेस्ट बंगाल के अंदर ज्यादा होता है। एंड इसके अंदर दोनों मेल और फीमेल दोनों, यानी मेल और फीमेल दोनों ही फैमिली के को पार्टनर्स होते हैं, यानी दोनों का बराबर का अधिकार होता है प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन जो मिताक्षरा सिस्टम है ऑन द अदर हैंड प्रिवेल्स ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड अलाउज ओनली द मेल मेंबर टू बी को पार्टनर्स इन द बिजनेस। यानी यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि जो मिताक्षरा सिस्टम होता है इंडिया में हर जगह ये मिताक्षरा सिस्टम इम्प्लीमेंट है, बट वेस्ट बंगाल को छोड़कर हर जगह इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, सिर्फ वेस्ट बंगाल को छोड़कर हर जगह पर इंडिया में मिताक्षरा सिस्टम अवेलेबल इम्प्लीमेंटेड है। लेकिन ये मिताक्षरा सिस्टम है क्या? इसके अंदर मेल को प्रेफरेंस दी जाती है, मेल को, यानी सिर्फ मेल मेंबर ही जो है वही को पार्टनर्स कहलाएंगे बिजनेस में। एंड अभी मैंने ये टर्म आपसे ऊपर डिस्कस की थी जैसे हम इसका टॉपिक पढ़ रहे थे। आगे देखते हैं, देखिए, जेंडर इक्वालिटी इन द जॉइंट हिंदू फैमिली और रियलिटी, क्या जॉइंट जो हिंदू फैमिली है, जो जॉइंट है, क्या वहाँ पर जो जेंडर यानी लड़का और लड़की, क्या दोनों को सच्ची में समान समझा जाता है? क्या ये रियलिटी है कि जेंडर इक्वेलिटी मतलब मेल और फीमेल दोनों को इक्वल समझा जाता है? तो इसी चीज़ को अब हम पढ़ेंगे। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2004 इन पार्लियामेंट ऑन दिसंबर 20, 2004। देखिए यहाँ पर अमेंडमेंट का वर्ड यूज़ किया गया है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बेसिक बेसिक टर्म्स क्लियर करूंगी, बिल्कुल माइन्यूट टर्म्स, ऐसे टर्म्स जो अक्सर आपको और वीडियोस के अंदर इतनी डिटेल में नहीं बताई जाएगी, उसको स्किप कर देंगे। लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में, माइन्यूटली आपको मैं हर एक कंसेप्ट बताऊंगी। यहाँ पर अमेंडमेंट का वर्ड यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर हमने अमेंडमेंट का वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि 2004 में जो हिंदू सक्सेशन का जो बिल है इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर हुआ होगा, चाहे उसके सेक्शन में चेंज आया हो, चाहे उसके आर्टिकल में चेंज आया हो, चाहे कोई टर्म में चेंज आया हो, यानी कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर हुआ होगा उस बिल के अंदर। इसलिए यहाँ पर हिंदू सक्सेशन के आगे अमेंडमेंट का वर्ड ऐड किया गया है, उसको यूज़ किया गया है। इसलिए क्या बन गया? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2004 इन पार्लियामेंट ऑन दिसंबर 20, द गवर्नमेंट हैज़ गोन अ स्टेप फर्दर इन फुलफिलिंग इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी मेड इन नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जब पार्लियामेंट के अंदर ये बिल अमेंड हुआ तो उस टाइम गवर्नमेंट ने एक स्टेप आगे उठाया। किस चीज़ के लिए? जो भी उन्होंने कमिटमेंट्स की थी, जो भी उन्होंने प्रोमिसज किए थे, उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने एक स्टेप आगे उठाया। उन्होंने कोशिश की कि जेंडर इक्वेलिटी को लेके आया जा सके, ठीक है, टोवर्ड, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, टोवर्ड्स जेंडर इक्वेलिटी की तरफ उन्होंने एक स्टेप उठाया जो कि नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में बनाया गया था। जो बिल था जो अमेंड किया गया हिंदू सक्सेशन एक्ट, यानी पहले 1956 था हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसमें कुछ चेंजेस आए तो हमारा क्या बन गया? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2004, जिसमें वुमेन को इक्वल राइट्स दिए गए इन द इनहेरिटेंस ऑफ एंसेस्ट्रल वेल्थ समथिंग। एंसेस्ट्रल का मतलब होता है पूर्वजों की जायदाद, पूर्वजों की संपत्ति। वेल्थ का मतलब होता है पूंजी, ठीक है, वेल्थ, वेल्थ का मतलब होता है पूंजी, संपत्ति। तो जो अमेंडमेंट हुई थी 2004 में, उसमें यही बात कही गई है कि जो वुमेन्स होती है, जो पूर्वजों की जो जायदाद होती है, संपत्ति होती है, उसमें वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स दिया जाए, जो कि पहले सिर्फ मेल के लिए ही क्या थी, रिजर्व थी। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद वुमेन्स को भी इक्वल राइट दिया गया है। इट इंडीड इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन ब्रिंगिंग द हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन अकॉर्ड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। यहाँ पर क्या बात की गई है कि ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप था हिंदू लॉ के अंदर, जो किया लेके आया एक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी लेकर आया। द एनेक्टमेंट ऑफ प्रपोज लेजिस्लेशन वुड ऑल्सो इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सब्सटेंशियली टू हेल्प ब्रिंग सोशल चेंज इन सोसाइटी। सीधी सी बात है, पहले क्या प्रथा होती थी, पहले देखा जाए तो मेल्स को हमेशा आगे रखा जाता था लेकिन फीमेल्स को हमेशा नीचे रखा जाता था। लड़कों की पढ़ाई के लिए कई बार लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था। तो देखा जाए सोसाइटी में जो चल रहा था उसको अगर हम जेंडर इक्वेलिटी लेके आएंगे, मेल और वुमेन, फीमेल को इक्वल रखेंगे, तो सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है।
तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि जब ये अमेंडमेंट आया, जो सारी रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट की, जो कि एनसीडब्ल्यू के अंदर थी, तो इससे हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया, सोशल चेंज आया। द बिल सीक्स टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन एज कंटेन्ड इन सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 by giving equal rights to daughters in the Hindu Mitakshara copersonary property as the sons have। यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि जो ये बिल है जो हम पढ़ रहे हैं, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2004, ठीक है, अभी हमने यही पढ़ा था, ठीक है, अमेंडमेंट बिल। तो इसमें क्या बात की जा रही है कि जो ये बिल आया, इसने रिमूव कर दिया, हटा दिया उस डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को, जो लड़का और लड़की के बीच में होता था, एंड डॉटर्स को भी इक्वल राइट दिए गए। जो भी मिताक्षरा सिस्टम था जिसमें खाली मेल्स, मिताक्षरा, मैंने दो बताए थे आपको, दयाभागा और मिताक्षरा, जो मिताक्षरा सिस्टम था उसके अंदर सन्स मेल को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती थी, उन्हीं का राइट होता था, लेकिन इस लॉ के बाद, इस बिल के बाद, जो मिताक्षरा को, जो भी मिताक्षरा का जो सिस्टम था उसके अंदर फीमेल्स डॉटर्स को भी इक्वल राइट दिया गया। इन व्हाट इज नोन एज द केरला मॉडल द कॉन्सेप्ट ऑफ कोपर्सनेरी वाज अबोलिश्ड एंड अकॉर्डिंग टू द केरला जॉइंट फैमिली सिस्टम अबोलिशन एक्ट 1975 द हीयर्स मेल एंड फीमेल डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी बाय बर्थ बट ओनली होल्ड इट एज टेनेंट्स एज इफ अ पार्टीशन हैज टेक प्लेस। ये क्या कह रहा है कि केरला मॉडल, जो केरला जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग जो मेल और फीमेल है, वे जैसे ही उनका जन्म होता है, जन्म होते ही उनको उस प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं मिलता, वे एक टेनेंट की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे जब तक कि पार्टीशन नहीं हो जाता, जब तक कि बंटवारा नहीं हो जाता। बंटवारा होने से पहले वे उस प्रॉपर्टी के टेनेंट्स की तरह ट्रीट किए जाएंगे, लेकिन उनको उनको अधिकार नहीं मिलेगा अगर पार्टीशन नहीं होता है, ठीक है। पार्टीशन होने के बाद ही उनको उस चीज़ में अधिकार मिलेगा प्रॉपर्टी में। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र ऑल्सो एनेक्टेड लॉज वेयर डॉटर्स वर ग्रांटेड कोपार्सनल राइट्स और क्लेम ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाय बर्थ एज द सन्स। अब ये जो बिल था जो हमने पढ़ा था, ये कहाँ कहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया, कौन कौन से स्टेट, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, इन सभी जगहों पर ये लोग एनेक्ट किया गया, जहाँ पर डॉटर्स को इक्वल राइट दिया गया, एंड जो भी ताऊ चाचा जो भी है, सभी बेटर सभी बेटी को इक्वल समझ रही है, तो डॉटर्स को इसके अंदर इक्वल राइट दिया गया, जिसमें उस प्रॉपर्टी में अब मेल और फीमेल दोनों को इन जगहों पर इक्वल राइट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये लॉ इंप्लीमेंट किया गया। इक्वालिटी फॉर वुमेन इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ इक्विटी फॉर द सो कॉल्ड वीकर सेक्स बट अ मेजर ऑफ द मॉडर्निटी ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड द प्रैग्मेटिक नेचर ऑफ अवर सिविलाइजेशन। जैसे जैसे ये चेंज आ रहा है, इससे ये लग रहा है कि हमारे सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। इसके फीचर्स की जो फॉर्मेशन है, फॉर अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट टू मेंबर्स होने चाहिए फैमिली में, एंसेस्टर टू बी हैंडल्ड बाय देम। द बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इज बाय बर्थ, इट इज गवर्न्ड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसकी जो फॉर्मेशन है, जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, वे उसकी मेंबरशिप ले लेता है, लेकिन इसमें कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको गवर्न कौन कर रहा है, इसको हिंदू सक्सेशन एक्ट गवर्न कर रहा है। इसकी जो लायबिलिटी होती है वे लिमिटेड होती है, ठीक है, सिर्फ द लायबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट द कर्ता, यानी कर्ता को छोड़कर बाकी जितने भी मेंबर्स हैं सभी की मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका जो कंट्रोल है, सीधी सी बात है, कर्ता है सारा, यानी करता है जो हेड है फैमिली का, वही पूरा बिजनेस को मैनेज करता है, सारे डिसीजंस वे लेता है, ठीक है, सारे मेंबर्स को बाय एंड करके वही रखता है, तो सारा कंट्रोल करता का ही है, मेन यही चीज है। देन बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी की, बात देखिए, द बिजनेस कॉन्टिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द करता एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक्स अप द पोजीशन ऑफ करता। ये जो बिजनेस है ये कंटिन्यूस रहता है, बिकॉज अगर कर्ता नहीं रहता तो उस केस में कर्ता की जगह जो उसके बाद जो एल्डेस्ट मेंबर है उसकी पोजीशन ले लेता है, बिजनेस को कंटिन्यू करता है, अदरवाइज कर्ता सारा बिजनेस संभालता है। देन बात करेंगे माइनर मेंबर्स, द इंक्लूजन ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू द बिजनेस अकर्स ड्यू टू बर्थ इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हैंस माइनर्स कैन ऑल्सो बी द मेंबर्स ऑफ द बिजनेस। कि जैसे एक बच्चे का जन्म होता है वह वैसे उस बिजनेस का मेंबर हो जाता है, तो इसमें जो माइनर मेंबर्स है उसको भी इंक्लूड किया जाता है एज ए मेंबर ऑफ द बिजनेस, ठीक है।
इसमें जो करता है वह सारा डिसीजन लेता है, तो कंट्रोल इफेक्टिव रहता है, बिजनेस एक्सिस्टेंस कंटिन्यू रहती है, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है और लॉयल्टी बहुत ज्यादा हो, सभी मिलकर काम कर रहे हैं ना, पूरा कोऑपरेशन होता है, फैमिली मेंबर्स जब काम कर रहे हैं बिजनेस में कर्ता पूरा संभाल रहा होता है, लेकिन जो रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं, ठीक है, इसमें जो कर्ता की जो लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और सबसे बड़ा डोमिनेंस कई बार क्या होता है, कर्ता बहुत ज़्यादा डोमिनेंट करता है, ठीक है, कई बार उसके डिसीजन एक्सेप्ट नहीं किए जाते, तो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस वाली चीज़ें रहती है, इसमें जो मैनेजरल स्किल है वे भी बहुत लिमिटेड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए वीडियो, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।